नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही पॉपुलर ऐप टिंडर के बारे में। दोस्तों, टिंडर डेटिंग ऐप क्या है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये डेटिंग ऐप काफ़ी मुझे अच्छा लगा है, मैंने इसका काफ़ी यूज़ किया है और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि डेटिंग ऐप को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं। और दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आप यहां पर सर्च कर सकते हैं टिंडर। हम सबसे ऊपर वाले पर ही क्लिक कर देते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं। दोस्तों, इसको सर्च करने के बाद में आपने देखा कि सबसे ऊपर जो ऐप है यही टिंडर ऐप है। आप देख सकते हैं इसका रेटिंग भी काफ़ी है और इसका रिव्यू भी काफ़ी है, 40 MB की ये ऐप है। इसके साथ ही देख सकते हैं आप 100 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि अब हम कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। दोस्तों, इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। दोस्तों, ऐप डाउनलोड हो गया है और इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, ऐप इंस्टॉल भी हो गया है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और चलिए अब हम इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा टिंडर डेटिंग ऐप। अब दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन करने को बोल रहा है, तो आप इसको लॉगिन कर लें। देखिए दोस्तों, अब ये बोल रहा है लॉगिन करने को, तो मैं अपने इस गूगल अकाउंट से, जो ये मेरा गूगल अकाउंट है, मैं इससे लॉगिन कर लेता हूं। और अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो ये फिर आपको किसी अदर अकाउंट पर ले जाएगा। फ़िलहाल इसमें कोई दूसरा अकाउंट नहीं है और ना ही मुझे क्रिएट करना है, तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसी अकाउंट से इसे लॉगिन कर लेता हूं। अब दोस्तों, ये हमसे मोबाइल नंबर को पूछ रहा है, तो मैं फ़िलहाल इसमें मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूं। तो दोस्तों, मैंने इसमें मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। इसके बाद में अब ये एक OTP आएगा उसी मोबाइल नंबर पर जो हमने डाला था। तो चलिए मैं सेटिंग में जाके देख लेता हूं कि वो OTP क्या है, वो हमें यहां पर डालना है। OTP मैं इसमें ऐड कर देता हूं। दोस्तों, मैंने OTP इसमें डाल दिया है, अब हमें इसे कंटिन्यू कर देना है। और दोस्तों, इसके बाद अब ये अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इसके हैं, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको एग्री कर देता हूं। दोस्तों, अब हमें यहां पर अपना कोई एक नाम डालना होगा, तो आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। और दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि ये बर्थडे डेट बोल रहा है, तो आप इसमें कोई भी बर्थडे डेट डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 10/10 और फ़िलहाल डाल देता हूँ 2000, ठीक। और इसे हम कर देते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वुमेन, मैन और मोर पर ये बोल रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल मैन कर देता हूँ क्योंकि मैं मैन ही हूँ, तो हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों, मैं इसको कर देता हूँ शो। दोस्तों, अब इसमें आपको फ़ोटो ऐड करना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने फ़िलहाल इसमें एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें 2, 3, 4 जितने भी चाहें उतने फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ ऐड मीडिया पे। और दोस्तों, अब हम इसको, आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है वो आ गई है। दोस्तों, चलिए अब हम इसको एक बार और बैक करके आ जाते हैं इसकी होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, होम स्क्रीन पर आने के बाद देख सकते हैं आप कि ये इस तरीके से इसमें फ़ोटो आते हैं।
तो दोस्तों होम स्क्रीन पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के इसमें फ़ोटो आते हैं। अगर आप चाहें इस साइड को करेंगे तो ये लाइक हो जाएगा, और अगर आप इस साइड को कर देंगे स्वाइप अप तो ये डिसलाइक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं लाइक और डिसलाइक। दोस्तों इस तरीके से आप लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ़ोटो पर क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद में दोस्तों अगर जिस भी बंदे ने फ़ोटो अपने एक से ज़्यादा अपलोड किए हुए होंगे तो वो आपको इस तरह से दिख जाएंगे। आपको फ़ोटो को टच करते रहना है और फ़ोटो जो हैं वो आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ही आप टिंडर ऐप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा डेटिंग ऐप है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।